हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी और आज जो है मैं आप लोगों को लेकर आया हूं जंतर मंतर। जी गाइस, मैं आज आप लोगों को जो है ना जंतर मंतर घुमाने वाला हूं। और जंतर मंतर जो है जगह जो है वो काफ़ी फेमस है, एक वजह से कि यहाँ पर जो है ना धरना वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो गाइज़, आप ये जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये मिस्र यंत्र है। आपने किताबों में भी देखा होगा, ये जो दिल के आकार में बना हुआ है। आज से 250 साल पहले जो है ना कैलेंडर नहीं हुआ करता था, घड़ी नहीं हुआ करता था। तो यही है वो चीज़, ये घड़ी भी है यहाँ पर, कैलेंडर भी है, जो कुछ मशीनें हैं जो आप लोगों को जानना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो आप, ठीक है। ये जो पीछे देखोगे ना आप, ये कैलेंडर है। और इधर जो देखोगे आप, ये टाइम नापने वाला मशीन है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना मिस्र यंत्र, यहाँ से चार देशों का जो है ना टाइम नापा जाता था आज से 250 साल पहले। ये सोचने वाली बात है गाइस। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ब्लॉग को शुरू करते हैं गाइस। ये ब्लॉग जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है गाइस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो है ना बस स्टॉप है पालिका केंद्र, और जस्ट इसी के सामने जो है ना ये जंतर मंतर का जो है ना मेन इंटर गेट है, ओके। और इसका जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वो जनपथ है। तो गाइस, अब जो है हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ से जो है ना हमारी एंट्री हुई है, सामने जो है वो मेन दरवाज़ा है, ठीक है। और जैसे आप अंदर आओगे वैसे ही आपको ये मिलेगा मिस्र यंत्र, जो दिल के आकार में बना हुआ है, ठीक है गाइज़। और जस्ट इसी के सामने जो है ये है टाइम डायल, ये जो आप देख रहे हो टाइम नापने वाला मशीन। और इसके जस्ट बराबर में जो ये जीना सा देख रहे हो आप, ये है सम्राट हिंद। 45 डिग्री का कुंवर नापा जाता था इससे। और यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा पार्क है। तो गाइज, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये है मिस्र यंत्र, ये जो आप देख रहे हो दिल के आकार में बना हुआ। और किताबों में भी देखा होगा आपने जंतर मंतर के नाम से, तो ऐसे ही दिल के आकार में जो है ना स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा आपको। और इससे जो है ना चार देशों का टाइम नापा जाता था आज से 250 साल पहले। आप सोचोगे कि कैसे जो है ना टाइम नापा जाता था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, बीच में जो है वो जीना है, ठीक है। और इस तरफ जो है दो लाइन है और इस तरफ जो है वो दो लाइन है, ठीक है। तो ये हो गए चार, यानी कि चार देशों का जो है ना इससे टाइम नापा जाता था। और ऊपर जाने का जो ये रास्ता है उसको जो है ना वो बंद कर दिया गया है, यहाँ पर है। मैं आप लोगों को जो है ना चल करके दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये कुछ लाइनें बनी हुई हैं, देख रहे हो आप, ये जो लाइनें बनी हुई हैं ना, इससे जो है ना उस ज़माने में टाइम नापा जाता था। लिखा हुआ भी है हिंदी में, ये देख रहे होंगे आप, ये हिंदी में लिखा हुआ भी है ना। ये उस ज़माने में जो है ना इससे टाइम नापा जाता था। और कैसे नापा जाता था मैं आप लोगों को अभी जो है ना मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो जीना बना हुआ है ना तिरछे में, ये जो जीना बना हुआ है, तो सूरज का रोशनी जिस जीना पे पड़ता था तिरछे में जो है ना, जब रोशनी पड़ता था तो लाइन जो बनी हुई है उस लाइन में जो है ना टाइम लिखा हुआ है, तो उससे पता चल जाता था कि अभी जो है ना कितना बज रहा है, ठीक है। तो उस ज़माने में चार देशों का जो है ना टाइम नापा जाता था यहाँ से। अब जो है हम नीचे की तरफ चलते हैं गाइस। यहाँ से देखोगे कितना बेहतरीन और ख़ूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, और बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर घूमने भी आए हुए हैं। बहुत सारे लोग, आप जो है ना फैमिली के साथ यहाँ पर आ भी सकते हो। इतना बेहतरीन बना हुआ है, किताबों में भी इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। जंतर मंतर का जो निर्माण हुआ था वो मोहम्मद शाह के टाइम पे हुआ था, और इसका जो निर्माण किया था महाराजा जयसिंह ने किया था। उस ज़माने में जो है ना हिंदू मुसलमान में जो है ना बहस हो गई थी टाइम को लेकर के, वक्त को लेकर के, महीना को लेकर के, क्योंकि आज से 250 साल पहले जो है ना टाइम नापना, महीना का है ना
जानकारी रखना जो है ना बहुत मुश्किल था। तो ऐसा ही जय सिंह ने जो है ना ऐसा ही टाइम नापने का मशीन जो है वो निर्माण करना शुरू किया, और ऐसा जो है 3-4 शहरों में भी किया है, दिल्ली में किया, मथुरा में किया, जयपुर में किया। तो उस ज़माने में जो है ना इस तरीके से जो है ना टाइम नापा जाता था, महीना को नापा जाता था। यहाँ पर कैलेंडर भी है जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो आकार जो बना हुआ है ये जो है उस ज़माने में जो है ना दिन बताता था, यानी 30, यानी कैलेंडर जो होता है हमारे घर में तो महीने का होता है, 30 दिन का होता है। तो ऐसा ही जो है इसके अंदर भी है, जैसे आज ये दिन है, कल वो दिन है। तर मंत्र को सही से अगर जानोगे तो उसका मतलब यही है, टाइम नापने वाला मशीन और महीने को जानने वाला मशीन, यानी दिन को जानने वाला मशीन। ठीक है गाइज, तो चलिए हम आप लोगों को और कैलेंडर दिखाते हैं। गाइज ये जो है टाइम नापने वाला यंत्र है, जैसे कि आप ये देख रहे हो ऊपर जो आपको गोल सा जो पिलर दिख रहा है, ठीक है, और ये जो जीना सा दिख रहा है, और ये जो मेहराब सा जो है ना छेद सा बना हुआ है, और इधर जो है सम्राट यंत्र है, और वो जो आप देख रहे हो उस साइड में भी जो है ना इधर भी जो है वो सम्राट यंत्र है। तो यहाँ पर जैसे जो वो गोल सा जो देख रहे हो आप पिलर सा बना हुआ, उस पर जो जब सूरज की रोशनी जब पड़ता था ना, वो सूरज का रोशनी जो है ना वो यहाँ से छेद से निकल करके सम्राट यंत्र पर आता था और इधर आता था। और ये सम्राट यंत्र जो काम करता था वो 45 डिग्री का कुंवर बनाने का काम करता था। ठीक है, अब ज़रा सा सोच कर देखो कि उस टाइम में किस तरीके से मुश्किल हुआ करता था टाइम नापना। और ये जो सूरज की रोशनी जो है ना ये जीना पर जब पड़ता था तो ये जो दोनों तरफ जो आप देख रहे हो ना जीने के बराबर में इस पर जो है ना वो टाइम लिखा हुआ है, तो उससे पता चल जाता था कि अभी जो है वो कितना टाइम पड़ रहा है। समझ रहे हो गाइस, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितना मुश्किल होता था उस ज़माने में टाइम को नापना। ये भी जो है वो कुंवर बनाने का काम किया करता था 45 डिग्री का, कितना मुश्किल हुआ करता था। और अब जो है गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ सन कैलेंडर। ठीक है, और जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है राम यंत्र, यानी सन कैलेंडर को राम यंत्र बोलते हैं। और ये आप देख रहे होंगे ये उस ज़माने में काम किया करता था दिन नापने का। ये जो रास्ता है अंदर जाने का इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। मैं आप लोगों को बाहर से ही दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये जो आप देख रहे हो ठीक है, ये जो लाइनें जो खींची हुई हैं वो पूरा 30 लाइन है। ठीक है, और सब पिलर पे जो है ना वो लिखा हुआ है आज दिन कौन सा है और तारीख कौन सा है, इन सब पर लिखा हुआ है। और ये जो आप पिलर देख रहे हो तो इस पर जब सूरज यानी सन का रोशनी जब पड़ता था, ठीक है, और इसके नीचे ये जो लाइनें देख रहे हो आप, इस लाइन पर अगर सूरज का रोशनी जो है 15 मिनट तक अगर टिक गया तो उससे पता चल जाता था कि आज जो है ना कौन सा दिन है, जैसे शनिचर, इतवार, सोमवार, कौन सा दिन है और कौन सा तारीख है। देख लो आप कितना बेहतरीन है। वैसे अगर आप बोर्ड पर अगर पढ़ोगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से जो है ना वो नापा जाता था। तो गाइस जस्ट इसी के बराबर में जो है ये है मून कैलेंडर। ठीक है, और इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, अंदर जाने का जो रास्ता है उसको जो है वो बंद कर दिया गया है, ये देख रहे हो आप। तो फिर जो है मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये भी सेम उसी तरीके से काम करता था जैसे सन कैलेंडर काम करता था। ठीक है, इसमें भी जो है वो 30 लाइनें खींची हुई हैं, और ये जो देख रहे होंगे इस पर जब सूरज का रोशनी पड़ता था तो उससे पता चल जाता था कि आज कौन सा डे है, ठीक है, और आज कौन सी तारीख है। ठीक है, जैसे बड़ा बहुत मुश्किल हुआ करता था उस ज़माने में नापना ये चीज़, जैसे अगर रात को 12 बज गए, ठीक है, तो 12 बजे के बाद जो है हमारा अगला दिन जो है वो शुरू हो जाता था। तो वो जो है यहीं से जो है ना वो पता चल जाता था उस टाइम पे कि आज जो है वो दिन कौन सा है और डे कौन सा है। ये था मून कैलेंडर, बिल्कुल सेम इसी स्ट्रक्चर में बना हुआ है, और इसके सामने जो है वो जंतर मंतर मैदान है, और यहाँ पर जो है हमेशा प्रोटेक्ट वगैरह चलता रहता है और अभी भी चल रहा है। तो गाइस फाइनली जो है अब जो है हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, और गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। और अच्छा लगे तो कर देना, ना लगे तो कोई बात नहीं, आप प्यार देते रहना। फिर मिलेंगे हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।